रॉबर्ट, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बालों की किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं, आप अपने हेयर को किस तरीके से अच्छा और लश्चरस और ब्यूटीफुल बना सकते हैं स्पेशली हेयर वॉश करने के बाद। जनरली हम जब भी हेयर वॉश करते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है गीले बालों से डील करने में। बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग में हेयर वॉश करते हैं, उनका ऑफिस होता है और उनको उनके जो बाल है वो ड्राई नहीं हो पाते हैं, एंड आप गीले बालों में बाहर निकल जाते हो तो डस्ट पॉल्यूशन कितना कुछ आपके बालों में लग जाता है, एंड वो और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप बाल वॉश करके आते हो, जब आप हेयर वॉश करते हो, उसके बाद ही आप ये कुछ स्टेप्स अगर फॉलो कर लोगे ना, आपके जो हेयर है वो 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छे और सुंदर बने रहेंगे। तो आप ये कुछ टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं आपके साथ अभी जो शेयर करने वाली हूँ मैं आपको बताऊँगी कि जब आप तुरंत हेयर वॉश करके आते हो तो आप कौन सी चीज़ें कैसे कर सकते हो और उससे आपके बाल कैसे अच्छे और काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब 2 दिन तक कैसे अच्छे रहेंगे, और अगर आप ब्रश में हो तो आप उनको कैसे ड्राई अप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं कि हम अपने बालों को सुंदर कैसे बना सकते हैं। अभी मेरे बाल गीले हैं, मैंने जस्ट हेयर वॉश किया है, तो अभी ये कुछ इस तरीके से गीले हैं। जब हम जनरली हेयर वॉश करते हैं तो इसी तरीके से आपके बाल जो है वो गीले रहते हैं, और 2 तरीके से इनको ड्राई कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इनको नॉर्मल फ़ैन में एयर ड्राई होने दीजिए, अदरवाइज़ आप ये यूज़ करके आप अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं। और मैं जो यूज़ करती हूँ वो है फिलिप्स सैलोन शाइन केयर, 1600 वाट का है ये, और मैं ये यूज़ करती हूँ जनरली अपने हेयर ड्राई करने के लिए जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, और इसे ड्राई करने के बाद एक अलग सी शाइन और एक बाउंसीनेस मिलता है मुझे। तो मुझे बाहर जाना होता है, रेडी होके लाइक स्ट्रेटनिंग करना होता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, छोटा वाला। मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके ऐसे गीले बाल है और आप चाहते हो कि एक सैलोन जैसी शाइन आपके बालों में आए और बहुत अच्छे लगे, तो क्या कर सकते हैं आप। तो आपको सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है अपने गीले बालों में। लाइक अभी मैंने सीरम नहीं लगाया है, मैं आपके सामने अभी लगा के दिखाऊंगी। तो मेरे पास कुछ इतने सीरम्स हैं, तो आप जो सीरम चाहे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास है स्ट्रीक्स परफेक्ट शाइन वाइटलाइज्ड विद वॉलनट ऑयल, ये मुझे काफ़ी पसंद है। दूसरा है ये बियर्डो का हेयर सीरम विद आर्गन ऑयल। तीसरा है ये ट्रिचअप जो भी कहते हो, ट्रिचअप सिल्की पोशन सेरम, और एक ये लास्ट है लिवॉन। तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, तो आज जो मैं यूज़ करूँगी वो होगा लिवॉन ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास लिवॉन है, होता ही है। ये लिवॉन की छोटी वाली बॉटल, जब कोम करोगे तो आपको यूज़ करना है ये। वैसे बहुत गीले बालों में आपको कोम नहीं करना है क्योंकि बाल टूटेंगे अगर आप कोम करोगे। कोम करने का भी एक तरीका होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आप कभी भी यूज़ कीजिए ऐसे, यू नो, बड़े दांत वाले, जिसको कहते हैं बड़े ये क्या कहेंगे इसको, जो भी हो, बड़े दांत वाले या बड़ा डिस्टिंग स्टिक जो भी हो, वैसा यूज़ कीजिए। जो बारीक वाला होता है या हेयर ब्रश यूज़ मत कीजिए, उससे आपके बाल बहुत टूटेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हेयर सीरम ले लेते हैं। पहले बालों को डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से। लाइक आपके गीले बाल है तो आप उसको बस ऐसे डिवाइड कर लीजिए कुछ इस तरीके से। आपको कहाँ कहाँ लगाना है, यहाँ इतने, ये लोअर्स में आपको पूरे ये लोअर पोर्शन में आपको लगाना है, और आपको इस एंड्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके लगाना है। तो आप बेसिकली यहाँ से लगाओगे और ऊपर हल्का सा आपको इसे स्प्रेड करना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो ये है सीरम। पहले मैं एक साइड के लिए एक ड्रॉप लूँगी, दूसरे साइड के लिए एक ड्रॉप लूँगी। तो पहले मैं एक ड्रॉप ले लेती हूँ, तो एक या 2 ड्रॉप ले लीजिए अकॉर्डिंग टू आपके बालों का साइज़। मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं तो मुझे 2-3 ड्रॉप लग रहा है। ये देखिए मैंने ले लिया है। इसको मैं अच्छे से हाथों में ऐसे वार्म अप करूँगी, बहुत अच्छे से वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद मैं इस साइड में कुछ ऐसे ऐसे लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे करके आपको ऐसे लगाना है इसको कुछ इस तरीके से। फिर आप बाकी बालों को भी उसमें ऐड ऑन करते जाइए। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली अब लगा लिया है अच्छे से, इतने पोर्शन में लगाऊंगी। तो अगेन हमको 2 से 3 ड्रॉप लेना है अकॉर्डिंग टू योर हेयर साइज, और इसको भी अच्छे से आप हाथ में वार्म अप कर लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से लगाइए।
इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेवॉन की बहुत ही फ्रेश और अच्छी लगती है। तो ये सेरम सेमी ड्राई बालों में लगाना है, बहुत गीले टप टप पानी गिरते हुए वाले में नहीं लगाना है, जब कुछ इस कंडीशन में हो ड्राई तब लगाना है। और जब आप लेवॉन लगा ले, ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो ये ब्रश है, जो भी कॉम्ब यूज़ कर रहे हो बड़े दांत वाला, वो आपको लेना है और आपको क्या करना है, नीचे से कॉम्ब करना स्टार्ट करना, यहाँ से, ना कि यहाँ से। नेवर स्टार्ट कॉम्बिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से आप करोगे ना आपके बाल टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत हेयर ब्रेकेज भी होता है। टोटली अवॉइड करें ऊपर से, आप नीचे से करेंगे। मैं आपको नीचे से करके दिखाती हूँ, जैसे कि ये है, पहले आप इतने पोर्शन को सुलझा लें, ठीक है, ये हो गया। फिर आप धीरे धीरे ऊपर आए, धीरे धीरे ऊपर आए, एकदम धीरे धीरे, ये देखिए इतना हो गया आपका सी, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आए, तो आपको ऐसे धीरे धीरे ऊपर आना है, ये देखिए। अब मैं थोड़ा ऊपर जा रही हूँ और थोड़ा ऊपर, ये देखिए, ये देखिए, बिना कोई मशक्कत के, बिना कोई मुझे पुल किए या कुछ भी किए, मेरे बाल इतने ईजिली, ये देखिए, हो गए है कॉम्ब। ये देखिए हेयर फॉल भी नहीं हुआ, कुछ भी बाल नहीं टूटे मेरे, और मैंने इतना पोर्शन कॉम्ब कर लिया है। अब आते हैं इधर, तो इसमें भी मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। पहले हम ये सामने का पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये पीछे का करूँगी। बिल्कुल घाई मत कीजिए जब आप अपने बालों को ये करते हो ना, आराम से कम 10-15 मिनट दीजिए, क्योंकि बाल टूटते हैं फिर। ये देखिए नीचे से मुझे करना है, ये देखिए नीचे से मैं कर रही हूँ, और फिर नीचे से कर रही हूँ, और फिर मैं ऊपर आ रही हूँ, ये देखिए कितने ब्यूटिफुली कॉम्ब हो रहा है, ये देखिए। फिर मैं ऊपर आ रही हूँ, अब मैं ऊपर आ रही हूँ, ये देखिए मुझे बिल्कुल बिना प्रेशर के मेरे बाल कितने अच्छे से कॉम्ब हो रहे हैं। अब रही यहाँ की बात, यहाँ पे भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, छोटे हैं तो क्या हुआ, फिर भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो इतना पोर्शन हो गया है मेरा कॉम्ब, ओके, ये हो गया है कॉम्ब। अब बचा है मेरा ये वाला पोर्शन, तो उसके लिए भी क्या करना है हमको, अगेन हम नीचे से स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर ऐसे धीरे धीरे हम ऊपर लेकर आएंगे, धीरे धीरे एक एक इंच करके हमें ऊपर आना है, एक दो इंच ऊपर करके, ये देखिए ये हो रहा है, और फिर रेस्ट हम बाकी, ये देखिए ये हो गए हैं मेरे पूरे बाल कॉम्ब, बिना कोई इसके, बिना तकलीफ के। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और एयर ड्राई होने दीजिए, तो ये ऐसे ही स्ट्रेट रहेंगे। दूसरा, अगर आप हेयर ड्राई से करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप इसको लीजिए, अपने हेयर ड्रायर को लीजिए, तो ये है मेरा, ये इसकी एक नोज़ल के साथ आता है, तो नोज़ल आप ज़रूर लगाइए। मैं यहाँ पे जो सेटिंग है, ये सेटिंग, इसको मैं ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो ही रहने दूंगी, और ये फर्स्ट स्पीड में, लाइक जिसकी स्पीड है वो लो में रख के मैं इसको करूँगी, और मैं इसका ये वॉर्म जो है टेम्परेचर वो नहीं बढ़ाऊँगी, कोल्ड में ही रहने दूँगी। एंड ये हो गया स्टार्ट, तो कुछ इस तरीके से मुझे इसको ड्राई करना है, लाइक कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो अपना कॉम्ब लेकर इस तरीके से भी इसको ड्राई कर सकते हो। सेम पीछे की साइड हमको क्या करना होगा, इसको ऐसे यू नो फ्लिप कर दीजिए अपने बालों को, कुछ इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये आपके बाल जो है वो सूखेंगे, जल्दी सूखते हैं फ्लिप करने से, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ये देखिए करूँगी कुछ ऊपर इस तरीके से, ये देखिए, तो इससे क्या होगा ना, आप फ्लिप करके जब अपने बालों को करते हो ना, तो आपके बालों में एक अच्छा सा, देखिए, वॉल्यूम आ जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आपके बालों में आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ करना चाहते हो तो कैसे यूज़ कर सकते हो, और उसके ऊपर आप कंडीशनर कैसे लगा, सेरम कैसे लगा सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रेटनर, इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, गर्म होने देते हैं इसे। इन बिटवीन मैं आपको बता दूँ कि आप टैंगल टीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके बाल पूरे ड्राई हो जाए। कुछ लोग बीच में कॉम्ब नहीं करते हैं, लोगों के लिए टैंगल टीजर है, ये मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था, तो ये टैंगल टीजर बहुत हैंडी है, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ये इससे आपके बाल बहुत जल्दी कॉम्ब हो जाते हैं, लाइक बहुत जल्दी। ये देखिए बहुत ही अच्छी शाइन आती है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, बिना कोई मशक्कत के आपके बाल बस जल्दी से ये कॉम्ब हो जाते हैं, ये देखिए, और आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ, कुछ नहीं होता, ये देखिए। तो ये है टैंगल टीजर का काम।
कि मैं आपको कुछ इतने पोर्शन में स्ट्रेटनिंग करके दिखाती हूँ, इतने पोर्शन में। तो मैं वापस से ही ट्रायंगल टीज़र ले लें, तो मैं इतना पोर्शन में करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं इतना सेक्शन ले रही हूँ, मैं थोड़ा इन्वर्ट कर रही हूँ सो दैट मुझे कर्व मिले। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेना है और ये देखिए, ये हो गया है इतना स्ट्रेट। इतना भी करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, इतना। ये देखिए हो गया है स्ट्रेट। अब क्या कर सकते हैं हम, ये स्ट्रेट होने के बाद इतने पोर्शन में भी हम लेवॉन लगा सकते हैं एक शाइन के लिए। तो मैं लेवॉन ले रही हूँ, बस एक ड्रॉप लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप। अगेन इसको अपने पाम में अच्छे से रब कीजिए और जहाँ आपने स्ट्रेटनिंग की है वहाँ पे आप इस तरीके से इसे लगा लीजिए। आप देखेंगे कितनी प्यारी शाइन आ गई है बालों में। ये देखिए, मैंने आपको कहा कि आप हेयर ड्राई कीजिए और अगर आपको स्ट्रेट लुक चाहिए तो आप स्ट्रेटनिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो आप नॉर्मल जो मैंने बताया लेवॉन लगा के नॉर्मल कोम करके आप रहने दीजिए, आपके बाल अच्छे खासे स्ट्रेट और अच्छे लगेंगे। और अगर फाइनल में आपको और थोड़ी सी शाइन चाहिए, जैसे कि आपने हेयर वॉश कर लिया है एंड शाम हो गई है, लाइक मॉर्निंग आपने हेयर वॉश किया एंड इवनिंग आपको थोड़ा सा शाइन चाहिए अपने बालों में, आप बाहर जा रहे हो, तो अगेन आप इस तरीके से बालों में आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा अपने हाथों में पानी लोगे। मेरे तो भी बाल थोड़े से गीले हैं, आपको सेमी हल्का सा गीला करना। आप स्प्रे कर सकते हो बालों में, जो पानी का बॉटल का स्प्रे आता है वो, थोड़ा सा एक ड्रॉप अपने हाथ में पानी लीजिए, उसमें अगेन एक ड्रॉप ये डालिए लेवॉन और फिर उसको अच्छी तरीके से इस तरीके से रब कीजिए एंड बस ऐसे ऊपर से इसको लगा लीजिए। तो देखेंगे आप बहुत ब्यूटीफुल शाइन आपके बालों में आ जाएगी, एक इंस्टेंट शाइन आ जाएगी आपके बालों में। ये देखिए के बाल कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एंड पर्सनली मैं क्या करती हूँ, हेयर वॉश करते वक्त आई टेक माई शैम्पू, जो भी शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें आई पुट हाफ अ स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट इज़ जो सेंधा नमक होता है वो, या फिर सी सॉल्ट, इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्ट को मैं हाफ स्पून यूज़ करती हूँ, अपने शैम्पू में मिला लेती हूँ, कर रही हूँ वो। और उसके अलावा मैं उसमें रोजमेरी या फिर आर्गन एसेंशियल ऑयल ड्रॉप्स उसमें पुट करती हूँ और उसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश करती हूँ। तो ऐसा करने से मेरे बालों में बहुत डिफरेंस आया है, मेरे बालों की लेंथ काफ़ी बड़ी हुई है, पहले मेरे बाल इतने थे, अब मेरे बाल काफ़ी लंबे हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप भी काफ़ी डिफरेंस ला सकते हैं अपने हेयर ग्रोथ में, हेयर को अच्छा बनाने में। आप ये सब चीज़ें आप अप्लाई करें, लगती है बहुत तामझाम है, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करोगे ना, आपके बाल बहुत अच्छे भी रहेंगे और आपको ये हैबिट भी हो जाएगी करने में। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। मेरे जो टिप्स है ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस लेके मुझे समझे है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। सो थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप और भी कोई वीडियो देखना चाहते हो और कोई रिलेटेड टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देन टेक केयर, Love you all. Bye. Good luck. मैं आपको पीछे से भी अपने बाल दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। आई होप आप लोग देख पाओगे, मुझे नहीं पता क्या। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे बाल अब दिखते हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप आप लोग देख पा रहे होगे। तो ये है मेरे बाल।